अगर अच्छा। कोई चाहे कि मैं पैसे से गोड़ी घोड़ा रखूंगा वो नहीं रखा जाएगा अच्छा ये आपके खून में है पुरखों का चला आ रहा है उसको हम लोग चलाई जा रहे हैं अगर कोई बंदा बोले ना कि मेरे पास दौलत ज्यादा मैं घोड़ा रखू वो नहीं रख सकता शौक होगा पैसा ना होगा तो घोड़ा घर में आ जाएगा आज ये जो मेरे पास असफल पर जो मेरे घोड़ी घोड़े खड़े हैं ना डॉक्टर साहब मेरी अपनी एक होम ब्रीड है आज इनका खड़े खड़े का इतना मोल हो चुका है अगर मैं आज बोलूं कि मैं इतना बड़ा स्टड फार्म खड़ा करूं ये लाइन की गोड़ी खड़ी करूं तो मेरे पास नहीं होगा जी जी क्योंकि करोड़ों रुपये चाहिए आज धीरे धीरे कमाया दीरे तो दीरे जोड़ा दीरे हाँ हाँ। है इकट्ठा कोई नहीं नहीं ले सकता ना ना, ना 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 वो जय जवान जय किसान दोस्तों फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधु आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आए हैं अमृतसर में गिल स्टड फार्म पर जिसे सरदार सुखपाल गिल जी चलाते हैं तो सरदार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने स्टड फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले तो आपका स्वागत है जी मेरे फार्म पर आने का सारी टीम का डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरा सुखपाल सिंह गिल है जी नाम और अमृतसर खास में ही मैं हूँ श्री गुरु श्री गुरु रामदास जी से, से मेरा सात किलोमीटर पर ही पड़ता है फार्म अमृतसर खास में ही है हाँ सरदार जी आपका स्टड फार्म है आपके पास देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे हॉर्स हैं घोड़ियाँ हैं थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को दिखाइए और उनके बारे में बताइए डॉक्टर साहब ये हमारी सारी पुरानी लाइन चलती आ रही है जी दादाजी के टाइम का फादर साहब के टाइम का मेरे टाइम का तो पुरानी लाइन चलती आ रही है कुछ तो मेरे अपने इंडिया की ब्रीड है सारी तो मालवाड़ी रहेगी और जो हमारी पंजाब की होम ब्रीड है मज्जू की लाइन की घोड़ी रही मेरे जी, पास जी, कुछ काले कांटे की बच्ची है मेरे पास जी, हाँ अच्छी घोड़िया है अच्छा नुकरा क्या होता है नुकरा घोड़ा नुकरी घोड़ी नुकरा घोड़ा मतलब ऐसे जैसे ये सफेद रहेगा बिल्कुल बिल्कुल मतलब स्पॉटलेस रहेगा इसको हम नुकरा बोलते हैं ये पंजाब की और अपने इंडिया की ब्रीड है सिंधी और अपने मालवाड़ ये सारा मिक्स होके ये ब्रीड बना है जी हाँ ये घोड़ी है ये घोड़ा है अच्छा। बच्चा है ये ये बच्चा है हाँ दस महीने का बच्चा है अभी तो ये मेरा अपने पास बड़ा स्टड है बहुत अच्छा स्टड उसका बच्चा है ये अच्छा हाँ जो आपके पास स्टड है हाँ। वो कौन से नस्ल का है वो हमारे इधर पंजाब में ही मिंटू जी हैं बहुत हमारे सत्कार जो है बड़े भाई हैं मेरे मिंटू जी, जी हैं तो उनका घोड़ा है समुंदर था उनका, उनका उसके घोड़े का बच्चा है मेरे पास अली और कहत्तर इंच हाइट है तो ये जो आपके पास में अली है समुन्दर हाँ, का बेटा हाँ हाँ उसका बेटा है ये? उसका बेटा है जी हाँ जी ये मेरी होम ब्रीड है जी ये कोई आठ महीने की बच्ची है मेरे अली की बच्ची है ठीक है ए, वाइट ब्राउन में है बहुत अच्छी बच्ची है ये सरदार साहब फीड में क्या देते हैं आप इनको फीड में मैं चना दे रहा हूँ इनको और गेहूँ दे रहा हूँ हल्का और जौ दे रहा हूँ क्योंकि जो जो मैं बाहर अपने फार्मिंग करता हूँ मैं उसी उसी का दाना तैयार करके दे रहा हूं ये मेरे अपने जो हमारे पंजाब का रह गया मज्जू की लाइन ये उसका बच्चा है जी। हाँ, मज्जू की लाइन का बच्चा बहुत अच्छा है इसका बाप भी बहुत अच्छा है कितने महीने का है ये, ये दस महीने का हो गया जी दस महीने हाँ, हाँ हाँ अच्छा मैं देख रहा हूँ क्या वजह है शाइनिंग ऐसा है कि डॉक्टर साहब इसकी देख और सुबह इनकी जैसे मालिश होती है ट्रैक में जाना घोड़े को घोड़ी को तो तेल वगैरह सारी क्षमता इसकी पूरी करनी पड़ती है वो तो कहते हैं कि घोड़े की देखभाल के लिए बड़ी मेहनत बहुत जी बहुत मालिश कर रहा है मेरे पास जैसे सत्रह अठारह घोड़ी घोड़े हैं तो तीन चार लड़के इसकी इसी की मालिश में लगे रहते हैं सारा दिन ये जैसे काले रंग की है हाँ। ये कौन सी ब्रीड कही ये मालवाड़ी ब्रीड है बहुत अच्छी ब्रीड की ये भी बड़ी अच्छी ब्रीड की पहले ब्यांत की फीमेल है मेरी तो बहुत अच्छी है ये प्रभात है घोड़ा जो फरीदकोट कोट में भाई सरजीत जी के पास से उनसे आगे जी हाँ जो आपके पास स्टड है आप मीटिंग भी कराते करवाता हूँ जी तो कैसे होता है उसका सिस्टम उसका सिस्टम ये है कि घोड़ी आती है दो दिन रखनी पड़ती है तीन दिन भी रखनी पड़ती है जी। तो उसका ये कि हमारी जो उसकी टेक केयर रहती है वो तो हम उसमें ही डालते हैं तीवन इसका तीस इकतीस हजार रुपया हमने इसकी रख रखी चार्ज करते चार्ज, चार्ज करते, करते हैं हाँ। तीन दिन रखते तीन दिन रखते तीन रखते हैं जी ये बहुत अच्छी लाइन की यह भी मज्जू की लाइन की नाग की बच्ची है बहुत फेमस घोड़ा हुआ इंडिया का नाग उसकी बच्ची है ये सरदार साहब जैसे ये आपके पास घोड़ी है हाँ हाँ क्या कॉस्ट होगी इसकी डॉक्टर साहब ये जो लाइन की घोड़ी है ना जो ब्लड लाइन की घोड़ी है एक तो सही बात है इनका मोल कोई नहीं है अच्छा आपने का सवाल पूछा है। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया दुनिया पूछती है ये तीबन ये लाइन की घोड़ी 25 लाख 20 लाख से ऊपर ही रहती है नीचे नहीं जो लाइन की घोड़ी है अनदर में तो लाखीब पर मिल जाती है मैंने सुना करोड़ों करोड़ों करोड़ो करोड़ो कौन से घोड़े की होती है वो ऐसा है कि ये ये मेरे पास घोड़ी है जिसका मेरे पास घोड़ा था शानदार ऑल इंडिया चैम्पियन था जे उसकी बच्ची है अच्छा। शानदार की ठीक है तो इसके बाप का मुझको मोल लगा था उस टाइम दो करोड़ रुपए दो करोड़ हां हां। जी। लेकिन मैंने सेल नहीं किया अच्छा हाँ 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 मतलब ये आपकी होम ब्रीड है। आज इसका मैं किसी को भी बोलूंगा बीस तीस चालीस लाख देगा जी हाँ ये होम ब्रीड है मेरी आपने इतने घोड़े घोड़ियों पर कितनी लेबर रखी हुई है ये तीन लड़के है मेरे तीन लड़के जो तीन है और चौथा मैं हूँ चौथे आप है हाँ 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 जी क्योंकि तो घोड़ी घोड़ा एक ऐसी चीज़ है, इस पर सारा दिन हाथ चलता रहना चाहिए हाथ चलता रहना चाहिए फिर ये बचता है और ये भी हमारी मज्जू की लाइन की घोड़ी है बहुत अच्छी है देखो कितनी हाइट और बहुत खूबसूरत घोड़ी है ठीक है ये काला कांटा है जो फरीदकोट में उससे सोबर है जी जी, जी हाँ, तो हाँ जो बच्चे आएंगे हाँ काले कांटा के काले कांटे आपने कर मेरे पास ना तीन चार घोड़िया जो काले कांटे से है प्रभात से है जो इंडिया के फेमस घोड़े हैं अच्छा टॉप क्लास के अब प्रभात जो घोड़ा था जब वो चेन्नई सेल होके गया साढ़े सात करोड़ का गया था ये बड़ा रईसी शौक है राजसी शौक है राजा महाराजा हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। आपने कैसे पाल लिया ये, ये? ब्लड में है अगर अच्छा। कोई चाहे कि मैं पैसे से घोड़ी घोड़ा रखूंगा वो नहीं रखा जाएगा अच्छा ये आपके खून में है पुरखों का चला आ रहा है उसको हम लोग चलाई जा रहे हैं जी। आज जो इतना महंगाई का टाइम है ब्लड लाइन का मोल हो चुका है वो कोई आज, अगर कोई बंदा बोले ना कि मेरे पास दौलत ज्यादा मैं घोड़ा रखू वो नहीं रख सकता शौक होगा पैसा ना होगा तो घोड़ा घर में आ जाएगा आपको देख के मुझे भी ये शौक जाग रहा है एक बच्ची मैं ही आपसे लेता हूँ सरदार साहब ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है हाँ हाँ ठीक है जी तो कितनी बड़ी बच्ची आप बेचते हैं डॉक्टर साहब मैं तकरीबन तो डेढ़ साल पौने दो साल की बच्ची सेल करता है काले कांटे की बच्ची आप लोगे तीन साल, तक। तीन साल हाँ हाँ। तो की तकरीबन बैठे तो। की डेढ़ साल की मुझे इतने महंगे इतने पैसे नहीं खर्चने लेकिन आप थोड़ा बजट में लेना चाहिए बिल्कुल जी आपको मैं ये बताने लगा जो लाइन का आपने बोला है वो मेरी होम लाइन चलती है उसी लाइन का मेरा भी शानदार घोड़ा था स्टड जो पिछले टाइम में भगवान को प्यारा हो गया है ऑल इंडिया चैंपियन था शानदार आज उसको दुनिया याद करती है ठीक है तो इस लाइन के जो जमते बच्चे छोटे बच्चे हैं दो तीन दिन के बच्चे दस लाख से स्टार्ट है डॉक्टर साहब नहीं अब मैं दस लाख का तो क्योंकि वो तो तीन महीने तो माँ का दूध ही पिएगा तो वो तो चलेगा नहीं हाँ हाँ जो आपको डेढ़ साल की बच्ची जो काले कांटे की आप बोल रहे, रहे सोलह सत्रह हाँ, हाँ, हाँ। जी हाँ अच्छी और उसकी काले कांटे की जो आपके की तो फीस है इकतीस हजार हाँ। काले कांटे की तो बेटी उससे तो क्रॉस होगी नहीं हाँ, हाँ। आप वाली ब्रीड से होगी या कोई और अदर जोड़ी होगी तो उसका मीटिंग फीस क्या होगा उसका रहेगा जी सत्तर हजार अस्सी हजार लाख रुपए के तक मतलब महंगा ठीक हाँ, है।, है पहले आपके, आपके पास शौक है जी। पैसा नहीं है हाँ। तो भगवान घोड़ा आपको वैसे भी दे देगा अच्छा अगर कोई बोले बंदा की मैं पैसे रख के घोड़ा लूंगा उसको घोड़ा नहीं मिलेगा जी ये परमात्मा की कृपा हो भगवान की आपके घर में फिर प्रवेश करेगा मतलब अगर हमारे हाँ, दिल में जगह है हाँ, है और हमारे प्यार है, बस, तो कोई बस, भी बहाना बन जाएगा जाएगा को घोड़ा अरेंज हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल 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 आज ये जो मेरे पास असफल पर जो मेरे घोड़ी घोड़े खड़े हैं ना डॉक्टर साहब मेरी अपनी एक होम ब्रीड है आज इनका खड़े खड़े का इतना मोल हो चुका है अगर मैं आज बोलूँ कि मैं इतना बड़ा स्टड फार्म खड़ा करूं ये लाइन की घोड़ी खड़ी करूं तो मेरे पास नहीं होगा जी जी क्योंकि करोड़ों ये चाहिए आज धीरे धीरे कमाया दीरे, दीरे, तो जोड़ा हाँ, है इकट्ठा हाँ, कोई नहीं ले ना, सकता ना 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 वो नहीं दर्शकों ये थे हमारे साथ में सरदार सुखपाल जी जिन्होंने आपको अपने घोड़े और घोड़ियाँ दिखाई और अपने स्टड फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान